Morning friends, it's me back again with a new travel blog. It's a short travel blog from Ghaziabad to a place called Sardana, which is near Meerut. So aaj aapko dikhate hain, it's a very short somewhere 60 to 65 kilometers from Ghaziabad, from my place. So it's not very far, but फिर भी दिखाते हैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रास्ते में. और एक बार जब निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है बाहर का मौसम. ठंड हो रही है अभी, थोड़ी सी हल्की हल्की सी ठंड तो लग रही है सुबह की, लेकिन अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला है. थैंक यू. सो देख सकते हैं आप लोग कि मौसम अभी धूप नहीं निकला है, क्योंकि अभी इनफैक्ट 7 भी नहीं बचा है. सो निकलेगा शायद धूप. मौसम तो ठीक ही रहने वाला है, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी सी हो गई है. तो और इनफैक्ट मेरी गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा है, तो आई डोंट नो. बट हाँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. शीशा खोल देंगे थोड़ा सा तो काम चल जाएगा. चलिए आगे मिलता हूँ आप लोगों से. सो देख सकते हैं आप लोग, अभी हम पहुँच गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे पे. एज यूजुअल गाड़ियाँ चल रही हैं और ठंड है, बट इतना ज़्यादा नहीं है. जैसे जैसे दिन चढ़ेगा थोड़ा ठंड कम भी होगा. बट हाँ, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है अभी ये ईस्टर्न पेरिफेरियल पे. सो और थोड़ा सा इसको अच्छा बनाया जा रहा है. एक फ्लाईओवर निकाला जा रहा है, जैसे आप लोग सामने देख रहे होंगे, जो कि डायरेक्टली मेरठ से इसको जोड़ेगा मेरठ एक्सप्रेस वे में, जो रास्ता आपको आ रहा है दिल्ली से मेरठ, यू नो एक्सप्रेस वे है जो. तो मेरे ख्याल से थोड़े दिन और लगेंगे, वो रास्ता भी खुल जाएगा डायरेक्टली. मतलब कि अगर आप NS24 से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से, तो आपको बिना रुके आप मेरठ पहुंच सकते हैं. इधर देख सकते हैं आप लोग, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा हो जाएगा. मतलब बहुत दिनों से चल रहा है ये. तो चलिए अभी हम आगे से थोड़ा दुहाई से कट लेंगे NH58 की तरफ. उधर भी मेट्रो का काम चल रहा है, आपको दिखाएंगे थोड़ा सा आगे चलते हुए कि वहाँ का क्या हाल है सड़क का. सो देख सकते हैं आप लोग, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. ये मेट्रो का काम है, रीजनल रेल मेट्रो है इंडिया का. सॉरी थोड़ा सा बम्पी सड़क थी तो इसलिए थोड़ा सा ये हुआ. ये रीजनल रेल मेट्रो का काम चल रहा है, जो कि इंडिया में पहला ऐसा मेट्रो होगा जो कि एक स्टेट से दूसरे शहर में जाएगा, जो कि दिल्ली से होते हुए, गाज़ियाबाद से होते हुए हमारे मेरठ शहर की तरफ जाएगा. आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है. मेरे ख्याल से और 1.5 से 2 साल लगेंगे इसको, और ये पूरा हो जाएगा. फिर मेरे ख्याल से जो मेरठ जाने वाली सवारी है, जो लोग हैं जो दिल्ली आते हैं काम करने के लिए रोजाना, उनके लिए सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा. सो थोड़ा सी तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी अभी आगे आने वाले दिनों में. जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा तो सड़क और थोड़ा सा पतला हो जाएगा, जिससे कि लोगों को थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक जैम्स लगेंगे. अभी इसके पीछे के सड़क में ट्रैफिक जैम बहुत लगता है, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्टकट लिया. अदरवाइज हमें और थोड़ा समय लगता है इस सड़क पे पहुंचने के लिए, इसलिए हमने ईस्टर्न पेरिफेरियल से मतलब आना ज़्यादा ही आसान था हमारे लिए, तो हम आ गए. हाँ टोल लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम भी बचता है. बट हाँ ये है कि एक बार यहाँ मेट्रो बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये. सो अभी आगे चल के थोड़ी दूर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से हम कट लेते हैं सरदना जाने के लिए, और जो कि बहुत ही आसान और शॉर्टकट रास्ता है. रास्ता दूसरा भी है, बट मैं आपको कट लेने के पहले ही दिखाऊंगा कि अगर आप लोग कहीं आना चाह रहे हैं इस
साइड में, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। वो रास्ता और भी आगे जाता है, मैं बताऊंगा वहाँ पहुँच कर कि आगे कहाँ और जा सकते हैं उस रास्ते से। आप देखें एज यूजुअल ड्रिलिंग का काम चल रहा है तो थोड़ा ट्रैफिक स्लो हो गया यहाँ पे, देख सकते हैं पिलर का ये है, तो ट्रैफिक हो रहा है, तो थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपसे। सो देख सकते हैं आप लोग, हम छोटा हरिद्वार पहुँच चुके हैं। जो लोग इस जगह के आसपास के रहने वाले उनको पता है छोटा हरिद्वार किसे कहते हैं और इसके पीछे की क्या मान्यता है, आप लोगों को पता ही होगा। सो बस अब यहीं से हम एक लेफ्ट टर्न आता है, कना गंगा कैनाल कहते हैं इसको, इधर से तो सीधे जाएंगे तो NH 58 है, जो कि रास्ता आपको मुरादनगर होते हुए आप सीधे मेरठ रुड़की हरिद्वार जा सकते हैं। बट ये जो लेफ्ट रास्ता है जो गंगा की तरफ से जाता है, जहाँ से अभी हम टर्न लेंगे, सॉरी ये बम्पी थोड़ी सी सड़क ऐसी है, उसमें कुछ कर सकते नहीं है, तो जब हम लेफ्ट लेंगे तो ये गंगा कैनाल होते हुए ये रास्ता भी सीधे हरिद्वार की तरफ निकलता है। और रास्ता बहुत बढ़िया है, मैंने ट्रैवल किया है इस रास्ते पे अप टू हरिद्वार, देहरादून तक मैं गया था, तो हरिद्वार होके ही जाया जाता है। सो देख सकते हैं आप मुजफ्फरनगर हरिद्वार देहरादून सब आप जा सकते हैं यहाँ से। एक बार थोड़ा स्लो करूँगा मैं जिससे आप देख सकें, और बहुत ही शानदार रास्ता है। पहले ये और भी छोटा हुआ करता था लेकिन इसको हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा बना दिया है, और सिंगल लेन है इसमें लेकिन दो दो गाड़ियां चलती हैं, डबल लेन की कर दी है तो इतना ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब ट्रैफिक और इस टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं इस सड़क पे, और ये सीधा, मतलब आपको कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप जा रहे हो सीधा आप जो है हरिद्वार पे निकलोगे अगर इस सड़क को आप पकड़ते हो तो। हाँ थोड़ा सा संकरा है रास्ता, तो डबल साइडेड में गाड़ी आप ज़्यादा तेज नहीं चला सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ फिर भी ट्रैफिक नहीं मिलता है तो आराम से आप 60-70-80 की स्पीड में जा सकते हैं। इस पर कुछ लोग हैं जो कि बहुत गंदी तरीके से चलाते हैं और जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होता है, तो ऐसा ना करें सड़क पर क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है। देख सकते हैं आप लोग कैसे गाड़ियां चल रही हैं, बाकी ठंड के समय में बहुत ही कोहरा होता है तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ियां धीरे चलती हैं यहाँ पे, उसका कुछ तो किया जा नहीं सकता है। बट हाँ बहुत पुराना रास्ता है ये, मतलब इस रास्ते पे मैं पिछले 15-16 साल से चल रहा हूँ तो मुझे पता है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है इस सड़क पे, पहले क्या था अब क्या हुआ है। तो आगे दिखाते हैं आपको, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दिखाएंगे आपको कि भाई क्या हालात हैं आगे सड़क के और आगे की क्या स्थिति है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो बस पहुंचने वाले हैं हम लोग, ये देख सकते हैं शामली का कट आ गया, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा सरदना के लिए। थोड़ा रास्ता यहाँ से आगे ख़राब होने वाला है क्योंकि रास्ता ख़राब होने का कारण है बड़े बड़े ट्रेलर्स ट्रक्स चलते हैं इसमें, सो थोड़ा स्टेबिलिटी आती नहीं है और सड़क बनती है और सड़क बनने के बाद तुरंत ही टूट जाती है। तो ये रास्ता अगर आप देखेंगे सामने सीधा जाएंगे तो हम करनाल होते हुए पानीपत की तरफ ये रास्ता निकलता है। तो अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था कुछ दिनों पहले, लॉकडाउन था, पूरा रास्ता बंद था, तो बहुत सारे लोग इसी रास्ते को लेते हुए पंजाब की तरफ जा रहे थे जिनको पंजाब जाना था। यहाँ थोड़ा हमें संभलना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे ही है, अभी सरदना 5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक बार जब पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल पे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये सड़क बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वन वे है तो थोड़ा धीरे भी चलाना है, तो 10-15 मिनट तो और लगेगा ही लगेगा विदाउट फेल। देख सकते हैं आप आसपास का नज़ारा,
ये गन्ने के खेत सूरज ने अपनी चरम सीमा पहुंचना चालू कर दिया है। ये आसपास के खेत देखें आप, हरियाली है यहाँ पे, लेकिन वही यहाँ गन्ने के खेत आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, तो यही कारण है यहाँ पे। चलिए आगे थोड़ी देर में मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस कुछ और मिनट और हम एंट्री ले लेंगे सरदना के इस बहुत ही पुराने चर्च में, और दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे ये ऐतिहासिक है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है, और सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में आप लोगों को एक बार जाए। उसके बाद मैं आपको अंदर का भी दिखाऊंगा, अगर अलाउड हुआ अंदर वीडियो बनाना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सड़क यहाँ भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है, सड़क क्या किया जा सकता है, इसका गेट बंद है, हॉर्न लगाया है, तो देखते हैं क्या होता है। गार्ड भैया आ गए सड़क खोलने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही पुराना चर्च है ये सरदने का, और इसके बारे में और जानकारी दूंगा। सो बने रहें, पूरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें आप। सो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा आम का बगीचा और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये बहुत पुराना चर्च है। अंदर अगर मौका लगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना पुराना है, बट यहाँ कुछ फादर्स के कब्र वगैरह भी हैं जो कि लोग आए थे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1987 में ही एक फादर थे जिनका कि देहांत हुआ। आप देखें इटली के थे ये, तो बहुत ही पुराना ये है। 1913 में इनका जन्म था, 1987 में इनका देहांत हुआ, और ये बिशप पैट्रिक नायर है जो कि मेरे डायसिस के बिशप थे। सो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जूता चप्पल बाहर उतार के जाया जाता है, सैनिटाइजिंग का और इसका सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। तो ये है, बाकी अंदर जाते हैं, शायद अंदर बनाने का मौका नहीं मिले तो एक बार चर्च ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलेंगे आप लोगों से, फिर दिखाएंगे। और यार यहाँ बहुत रिस्की होता है, बट यहीं रखते हैं चप्पल। चलिए ठीक है, शक्तिमान पिता का ईश्वर पर विश्वास करते हैं, के पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट में विश्वास करते हैं, आत्मा के द्वारा हमारे जन्मे काल में दुख होगा। Thank you.
सो चर्च ख़त्म हो चुका है, अंदर के कुछ पार्ट मैंने लिए हैं, अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कब बना था। आप देख सकते हैं 1822 एंड 1922, 100 साल लेट डाउन बाय रफेल बेनेडिक्ट आर्च बिशप ऑफ आगरा। सो देख सकते हैं, आपको ये भी दिखाऊंगा, एक छोटा सा ग्रोटो भी है यहाँ पे, बाहर से दिखाऊंगा। सो इस चर्च के जो आर्किटेक्ट थे वो देख सकते हो आप, मेजर एंथनी डेगनी है, और जिनका जन्म 26/11/1784 में हुआ था। सो बहुत ही पुराना ये चर्च है, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, बहुत ही पुराना चर्च है ये, और करीबन 100 साल से तो ऊपर हो ही गया है। लोग यहाँ पे कुछ कैंडल्स जलाते हुए आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आम का बाग है, आम के समय पे यहाँ पे बहुत आम लगता है, लेकिन हाँ तोड़ने नहीं दिया जाता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं, और कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, जो फादर लोग यहाँ पे मरते हैं उनको यहीं पे बरी किया जाता है। सो उनका ग्रेवयार्ड, ये बहुत ही कई 100 साल पुराने ये यहाँ पे ग्रेव्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है ये, मतलब ये देखेंगे 1951 में ये मरे हैं, तो 1912, बहुत 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 पुराना ही ये सब यहाँ पे बना हुआ है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आके, और बहुत सारे लोग आते हैं, दूसरे धर्म के भी लोग आते हैं यहाँ पे, पंजाब से ज़्यादा लोग आते हैं। तो इधर से देख सकते हैं आप, इस साइड से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा धूप है। सो चलिए अब निकलेंगे यहाँ से, फिर एक बार रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं आप लोग। सो इस जगह की अपनी मान्यता है, मैं पिछले 21 साल से आ रहा हूँ इस जगह में, और पहले तो जब मैं दिल्ली में रहता था 2-3 महीने में एक बार आता था, बट अब जब से गाज़ियाबाद में पिछले 11-12 साल से हूँ, तो मैं हर एक महीने आता हूँ यहाँ पे, संडे के दिन यहाँ मास सुनने के लिए। सो बहुत अच्छा महसूस होता है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है तो आ सकते हैं, 1 घंटे की ड्राइव है, सो इतना ज़्यादा ये नहीं लगता है मुझे यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ये है नहीं, यहाँ 2-3 मास होते हैं, लोग आते हैं, सितंबर में यहाँ पे फीस्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की, तो लाखों की तादाद में लोग होते हैं, बाकी तो सब ठीक ही है। एक बार बस थोड़ी देर में निकलेंगे, और फिर रास्ते में देखते हैं अभी क्या ट्रैफिक मिलता है हमें और कितना समय लगता है, तो बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे आप लोगों से। ये देख सकते हैं आप लोग, आम की क्यारियां लग रही हैं, बस कुछ ही महीनों में ये जितने भी आम के पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये सब आम से लदे होंगे। बहुत ही ज़्यादा बड़ा बगीचा है ये, आम का बाग है, उधर दूर तक अंदर तक फैला हुआ है। सो अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी जगह है, शांति ये है, बस यही इतना छोटा सा ये है, छोटा तो नहीं है, खैर बहुत बड़ा है। बाकी अब निकलेंगे थोड़ी देर में, और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह भी हैं जो कि आप देख सकते हो, लोग खड़े हैं ख़रीदने के लिए और सारी चीज़ें, तो कुछ ख़रीदना चाहें तो आप कुछ बाई भी कर सकते हैं, टिकट लगता है आम दिनों में आने के लिए यहाँ पे। सो चलिए, सो अभी हमने थोड़ा शॉर्टकट लिया है क्योंकि आगे बहुत जाम था जहाँ से हमने सर्दने के लिए मोड़ा था, तो अभी एक शॉर्टकट लिया है अंदर गांव से निकलते हुए, फिर हम
उसी रास्ते में मिलेंगे। बहुत ही संकरा सा रास्ता है, देख सकते हैं आप लोग कि, पर अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बम्पिंग्स भी हैं तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं। अभी तो खैर इस पे तो जाम मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से बम्पर्स वगैरह, रोड ब्रेकर्स वगैरह बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा जंगल वाला रास्ता है, और एक ये ट्रक भी आ रहा है। अब बड़ा मसीसा सिचुएशन होता है इस ये में, जब आपके सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही हो छोटी सी सड़क पे, तो थोड़ा ऑकवर्ड सा ये होता है। बहुत ही समझदार है, ये रुक गए हैं और धीरे से निकालेंगे हम भी। कोई नहीं, निकल गए जी। चलो देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा जंगल है। सो रात के समय कभी मत आए इस सड़क से आप लोग, क्योंकि लाइट नहीं है तो थोड़ा खतरा हो सकता है। बाकी चलिए मेन सड़क पे जब मिलते हैं तब दिखाता हूँ आप लोगों को क्या हाल है। ट्रैफिक से निकल गए थे हम लोग, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक था, मेन रोड पे आ गए। बट अब भोले की झाल पहुँचने वाले हैं। भोले की झाल नाम है इस जगह का, बाकी ऐसी कुछ वो नहीं है। यहाँ एक शिव मंदिर है जिसकी वजह से लोग भोले की झाल कहते हैं। गर्मी के टाइम में बच्चे यहाँ नहाते हैं, उठते हैं इस पानी में। दूसरा, अभी थोड़ी देर में आगे हमें एक जैन सिकंजी मिलेगी। जैन सिकंजी वही फेमस जैन सिकंजी, मोदी नगर वालों की स्पेशलिटी सिकंजी है। बाकी पनीर पकौड़े यहाँ भी हैं, पकौड़े आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, बट ये हाइजीनिक नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ से आप लोग खाएं। फिर भी लोग रुकते हैं, खाते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। बट हाँ, जैन सिकंजी में हम रुकेंगे और देखेंगे क्या है, क्या है, क्या पकौड़ा ही खाएंगे जो कि फेमस है, पनीर पकौड़ा और मिक्स पकौड़ा अपने, और सिकंजी पियेंगे। बाकी कुछ लोग चाय भी ले सकते हैं, बट अगर आप आए हैं तो यहाँ ज़रूर रुकें। कैनाल वाले रोड पे भी है और मेरठ रोड पे भी है, तो आप लोग ज़रूर रुकें। मैं तो जब भी आता हूँ, मौका मिलता है, समय रहता है तो हम ज़रूर रुकते हैं। महाराजा भी है तो ये ओरिजिनल नहीं है, बट हम ओरिजिनल जैन सिकंजी पे ही रुकेंगे। ये आ गया है तो पनीर पकौड़ा ये सारी चीज़ें हैं, तो अब खाते पीते हैं थोड़ा, फिर निकलेंगे। फिर मिलूंगा मैं आपको पहुंचने के पहले एक बार। ज़्यादा बर्फ मत डालना भैया। ऐसा फोटो हाँ क्या हाँ जबरदस्ती गाइस, हम बस पहुंचने वाले हैं, ईस्टर्न पेरिफेरियल पे चढ़ गए हैं। बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक था मेट्रो की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें जैन सिकंजी से निकलने के बाद। तो अभी 10 से 15 मिनट और लगेगा घर पहुंचने के लिए, क्योंकि अब हम ईस्टर्न पेरिफेरियल पे चढ़ गए हैं तो यहाँ से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है हमें। बट थोड़ा सा रास्ता बम्पी है तो थोड़ा कैमरा हिलेगा, तो सॉरी फॉर दैट, इसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रिपेयर का काम चल रहा है आगे, तो थोड़ा सा ये है। बाकी एक बार पहुँचने से पहले मैं फिर से बात करता हूँ आप लोगों से। फाइनली गाइस, मैं पहुँचने वाला हूँ, बस एक मिनट में पहुँच जाऊँगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस यार थोड़ा सा थक गया हूँ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, और ट्रैफिक इसलिए था कि वो मेट्रो का काम चल रहा है। दिल्ली मेरठ मेट्रो रेल का जो काम चल रहा है उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था, बस पहुँच गया हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखें, देखने के बाद लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बाकी मैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगा, चाहे वो ट्रैवल ब्लॉग हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में ही क्यों ना हो, बट जल्दी मैं फिर दोबारा आऊँगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।